गिरिराज जी, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनावी बात कर रही हैं, लेकिन उसमें रोहिंग्या घुसपैठिए वो आप लेके आए, आप चुनावी बात नहीं कर रहे, आप राजनीतिक बयान नहीं दे रहे। लेकिन आप जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा इलेक्शन नमाज वो पढ़ रही थी, वो इफ्तार में जाती थी, वो मिनी पाकिस्तान बना देंगी, जय श्री राम से चिढ़ती हैं, ये दो अलग धाराएं प्रतीत होती हैं। मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसके ऊपर, आपके लिए मौत के राजनीति का बहाना है या आप पे आरोप लग रहा है? फिर तृणमूल के साथ भी आ गए, अब आप भाजपा के साथ आ गए, ये भी एक पॉलिटिकल एक्टिंग है ना। मीडिया की डिबेट का जिक्र हम अक्सर करते ही हैं, क्योंकि उनमें सवाल सरकार के नेताओं से कम और विपक्ष के नेताओं से ज्यादा होते हैं, पर आज की वीडियो में हम उन डिबेट्स का जिक्र करेंगे जिनमें सवाल सरकार के नेताओं से हो रहे हों और सवाल गोदी मीडिया के पत्रकार कर रहे हों। आज तक पर बंगाल के मुद्दे पर डिबेट हुई, इस डिबेट में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। एंकर ने उनसे ममता बनर्जी के गोत्र पर हो रही राजनीति को लेकर सवाल किए, जिस पर ममता की सरकार की आलोचना करने लगे, पर एंकर ने उन्हें उनकी पार्टी के बयानों पर जवाब देने को कहा। आप शांडिल्य लिखते हैं अपने नाम के आगे, अब ममता बनर्जी भी अपना गोत्र शांडिल्य बता रही हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप लगातार हमला क्यों कर रहे हैं उन पर, चिंतित क्यों दिखते हैं? मैं तो खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं, ये पहले बता देती ये दुख है। गिरिराज जी, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनावी बात कर रही हैं, लेकिन उसमें रोहिंग्या घुसपैठिए वो आप लेके आए, आप चुनावी बात नहीं कर रहे, आप राजनीतिक बयान नहीं दे रहे। ये तो उनसे पूछिए कि जो ममता दीदी कल तक कहाँ पूजा करने जाती थी, माथा पर पल्लू रख करके, दोनों हाथ रख करके, वहाँ के लोग उनको क्या कहते, मैं तो नहीं कुछ बोलूंगा। गिरिराज जी, वो तो माँ माटी मानुष को भी अपना गोत्र बता रही है, फिर तब क्या कहिएगा? हमें खुशी है कि हमारी शांडिल गोत्र बहुत दिन के बाद याद उनको गोत्र का आया, माँ माटी मानुष तो सबका है। न्यूज 18 पर बंगाल चुनाव के मुद्दे पर डिबेट हुई, इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी नेता गौरव भाटिया से बंगाल में चल रही राजनीति को लेकर सवाल किए, जिस पर वे विपक्ष पर निशाना साधने लगे, पर एंकर ने एक घटना का जिक्र कर उस पर सरकार द्वारा हो रही राजनीति को लेकर सवाल किए। गौरव भाटिया, इलेक्शन कमीशन का समन्वय नहीं है, आप तो आसाम में है, आप तो आसाम में थे या है? जहाँ भारतीय जनता पार्टी कह रही है असम में अब की बार 100 पार, पश्चिम बंगाल में अब की बार 200 पार, कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिसने पश्चिम बंगाल को महत्वपूर्ण ही नहीं समझा है, उनकी अध्यक्षा युवराज एक बहन वो गई नहीं है पश्चिम बंगाल, वहाँ पे 85 वर्षीय केंद्रीय महिला को केंद्रीय बल आ गए हैं, वो हमारे कैंडिडेट्स को अब दिक्कत कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यही बात बोली टीएमसी के प्रवक्ता ने यहाँ पर, मैंने लिखा हुआ मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए, आप जो बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिस पर अटैक हुआ, जिसकी मौत हो गई, क्या आप उनकी लाश पर राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी का झंडा लिपटा हुआ था उस महिला के ऊपर, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसके ऊपर, आपके लिए मौत के राजनीति का बहाना है या आप पे आरोप लग रहा है? आज तक पर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का इंटरव्यू हुआ, ये इंटरव्यू आज तक के वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने लिया। इस इंटरव्यू में प्रभु चावला ने मिथुन चक्रवर्ती को उनकी पार्टी को लेकर तीखे सवाल किए, जिसका वे ठीक से जवाब ना दे पाए। तो आपका सफर कैसे, मैं समझ नहीं आता सर। मेरे सफर आप क्रांतिकारी रहे, नक्सलाइट मूवमेंट के साथ जुड़े रहे, फिर तृणमूल के साथ भी आ गए, अब आप भाजपा के साथ आ गए, देखिए ये भी एक पॉलिटिकल एक्टिंग है ना। सो दिस इज नॉट समथिंग पॉलिटिकल, आई एम नॉट कम हियर, मैं कोई पॉलिटिकल करियर बनाने नहीं आया। तो क्यों आए बीजेपी में? आप बस खाली मुझे वही कि हक दिलाना है इनको, कि हर चीज और झूठ बंद करो। हक किससे दिलवाना है आपको? 44 इयर्स से एक स्टेट विरोधिता कर रहा है, 34 इयर्स, अभी 10 इयर्स। अरे मोहल्ले में अगर कोई विरोधिता करे, हम उसको एक घर में खाना बदोश कर देते। तो आपको लगता है जिस पार्टी में आप थे, जिसके राज्यसभा मेंबर बने आप, वो विरोधी दल हो गया आपके लिए? तो सर बिल्कुल, टोटली जो जिस उम्मीद से गया था। आपने टीम से ज्वाइन क्यों किया था उस वक्त, क्या उम्मीद थी? सर मुझे, मैंने ज्वाइन करने से, हाँ करने से पहले मुकुल दास से मैंने बात की थी। वो भी अब आज का आपके साथ, उन्होंने मैंने बात की थी। इंडिया टीवी पर बंगाल के चुनावों को लेकर डिबेट हुई, इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी नेता संबित पात्रा से ममता के गोत्र से उनकी पार्टी की हो रही परेशानी को लेकर सवाल किए,
जिस पर वह बात को गोलमोल घुमा दिए। इसके बाद एंकर ने चुनाव में उनकी पार्टी के द्वारा पाकिस्तान का जिक्र करने को लेकर सवाल किया, जिस पर एंकर ने उन्हें टोक दिया। बताइए, प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता सिंडिकेट से, तोला मनी से, कट मनी से, भाईपो से, करप्शन से त्रस्त हो चुकी है। वहां पर काम नहीं होता, विकास नहीं होता, खेला होवे नहीं होगा, इस बार विकास होगा, ये प्रधानमंत्री की भाषण की मुख्य थीम रहती है। लेकिन आप जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा इलेक्शन नमाज वो पढ़ रही थी, वो इफ्तार में जाती थी, वो मिनी पाकिस्तान बना देंगी, जय श्री राम से चिढ़ती हैं, ये दो अलग धाराएं प्रतीत होती हैं। नहीं सौरभ जी, वो तो डिबेट पर डिपेंड करता है। चूंकि आपने प्रश्न मिनी पाकिस्तान का पूछा, आपने पूछा कि हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, इसलिए हमने उसका उत्तर दिया। आप तोलाबाजी पे पूछिए, चलिए मैं सिंडिकेट पे ही बोल देता हूँ। आप मुझे बताइए, आपके आपकी नज़र में बंगाल के लोगों के लिए बड़ा मुद्दा क्या है, ममता बनर्जी का आपकी ओर से आरोपित मुस्लिम तुष्टिकरण या आपका कथित भ्रष्टाचार जो आप आरोप लगाते हैं? देखिए, किसी भी चुनाव में हिंदुस्तान या विश्व में किसी भी चुनाव में मुद्दा एक नहीं होता है। ये कम ही होता है कि मीडिया के एंकर बीजेपी नेता से तीखे सवाल कर उन्हें अपने सवालों में उलझा ले। खैर, हम उम्मीद करेंगे कि वे आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।